share together. सीरियल पिया अलबेला में बहुत बड़ा ड्रामा शो पर चल रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पूजा अपने परिवार और नरेन के बीच फंस गई है, चलिए पूजा से ही पूरे सीन के बारे में जानते हैं। जहाँ एक है कि नरेन को 20 साल की सजा दिलवा के उसके भाई का इंसाफ जो है वो भाई को इंसाफ दिलवाए, और एक माँ जिसको इतना दुख हुआ है उसको भी इंसाफ दिलवाए, और दूसरी तरफ है नरेन, जहाँ पूजा जानती है कि उन्होंने अपने भाई के डिफेंस में गोली चलाई है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक यू नो एक कॉर्नर है जहाँ पे उनका मन मान नहीं रहा है कि यू नो उन्होंने इतना सब कुछ किया होगा। लेकिन जिस तरीके से वो पुलिस के साथ आ रहे हैं और तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं पूजा के घर में, तो पूजा का गुस्सा और भी बिल्डअप होते जा रहा है। और उसके बाद ये पथराव हो गया, जिस दिन पूजा को कोर्ट निकलना है उसी दिन उनको डराया जा रहा है, तो ये सब एक तरीके से पूजा के अंदर बिल्डअप भी कर रहा है और उसको इनक्रेज कर रहा है कि वो कोर्ट में जाकर नरेन के खिलाफ गवाही दे और उनको सजा दिलवाए। आपको क्या लगता है कि किसकी गलती होगी और क्या वाकई नरेन गुनहगार है? नरेन ने ये गुनाह तो किया है मेरे भाई को मारने का, और पूजा इकलौती आई विटनेस है इस सिचुएशन की, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसके उन्होंने अपने भाई के डिफेंस में गोली चलाई थी, मेरे भाई ने पहले गोली चलाई थी। ये सब जानते हुए दोनों ने अपना भाई खोया है, बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट है ये दोनों के लिए, और इस सेंसिटिव मोमेंट में कोई है ऐसा जो आग लगा रहा है ताकि दोनों परिवारों के बीच में और एक अच्छे कपल के बीच में दरार आ जाए, और कोई है जो पूजा के घर में सुराग रख रहा है, पथराव करवा रहा है, जैसे पूजा को लग रहा है कि नरेन कर रहा है, और सिमिलरली उनके घर में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहा है व्यास मैंशन में, जैसे नरेन को लग रहा है कि पूजा ये करवा रही है। तो बेसिकली दोनों घरों में और दोनों दिलों के बीच में बहुत बहुत डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप नरेन को सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? पति और मामी के बीच में, जिसने पूजा को अपनी बेटी जैसे पाला है, उन दोनों के बीच में डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब क्योंकि एक माँ का दुख समझ रही है पूजा और अपने भाई को भी इंसाफ दिलवाना है, तो वो यही सोच के निकली है आज कि नरेन के खिलाफ वो गवाही देगी और शायद उनको अब सजा भी हो जाए 20 साल की। वेल, अगर नरेन को सजा मिल जाती है तो नरेन और पूजा के बीच दूरियां आ जाएगी, या तो कहानी को लीप लेना होगा या फिर नरेन जेल जाने से बच जाएगा। मेकर्स को कुछ ऐसा ही ट्विस्ट शो पर लाना पड़ेगा, तो देखते रहिए सीरियल पिया अलबेला। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।